हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इन्फो जोन में। जी हाँ दोस्त, आप सभी दिव्यांग साथी के लिए अच्छी खुशखबरी आ रही है। जितने भी हमारे हैंडीकेप पर्सन हैं आज उनके लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी आ रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रेलवे में वैकेंसी आया हुआ है, कुछ 4000 कुछ वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें टोटल बेस जो है, जो टोटल रिक्रूटमेंट है वो 10th क्लास पे वैकेंसी आया हुआ है। इसके बारे में हम टोटल डिटेल्स बताएंगे आपको, तो वीडियो को बस इंतज़ार करके इत्मीनान से देखिए। 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसीज अप्रेंटिस बेस पे है, इसका क्वालिफिकेशन ITI प्लस 10+ होना चाहिए, 10 10+2 होना चाहिए। टोटल वैकेंसी 4100 कुछ दिया गया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी 4100 कुछ दिया गया है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्रेशर, इसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। उसके साथ जो जॉब लोकेशन है अक्रॉस ऑफ इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया पे है। और इसका लास्ट जो जो डेट है फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने का, 12 दिसंबर तक यहाँ पर दिया गया लास्ट डेट इसका। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है और इसके बारे में हम टोटल आपको डिटेल्स बता देते हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन हम आपको बताए हैं, जो क्वालिफिकेशन है 10th 10+2, ये सभी पे वैकेंसी है। और इसमें जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो भी आपको हम बता देते हैं। इसमें जो फॉर्म का अप्लीकेशन फ़ी है 100 रुपीज़ 100 ओनली दिया गया, ट्रांजेक्शन चार्ज फॉर ऑनलाइन पेमेंट इफ़ एनी सेल बी बोर्न बाय द कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ इसमें दिया गया है। इसमें एज जो है मिनिमम 15 साल से लेकर मैक्सिमम 24 साल तक होनी चाहिए। इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्रूटमेंट दिया गया, SSC 10th क्लास का दिया गया, रिक्रूटमेंट बर्थ डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। इसमें टोटल तरह का आप जो भी ITI का किए रहेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी से या फिर जिस भी इंस्टीट्यूट से, उसका रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं PWD के लिए पावर विथ डिसेबिलिटी, यहाँ पे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ फॉर्म ऑफ 40% बेंचमार्क डिसेबिलिटी होना जरूरी है। तो यहाँ पे PWD के लिए बता दिया गया है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है, द डिसीजन ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल मैटर रिलेटिंग टू एलिजिबिलिटी, यहाँ पे कुछ दिया गया है इंस्ट्रक्शन जिसको पढ़ लेना है। तो चलिए अब आपको आगे बताते हैं यहाँ पर सिलेक्शन के जो प्रोसीजर है किस बेस पे है आपको बता दें। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेडिकल एग्जामिनेशन, देयर विल बी नो रिटन टेस्ट, वाई बाय कोई भी पूछताछ नहीं होगा, कोई भी लिखित एग्जाम नहीं होगा। सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट इन इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट पे। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और जो आप जो भी कैंडिडेट हैं उनका एवरेज मार्क्स जो होना चाहिए 50% होना जरूरी है, ठीक है। और ITI में भी होना जरूरी है 50% कम से कम। अब चलिए उसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, इसको किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट शुड बी सबमिटेड देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन ओनली, ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि किस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन करना है। यहाँ पे बता रहा है कि https://usacr.india/railway-government.in, इस पे आपका, इस वेबसाइट पे हम इसका लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगर वहाँ से ना भी खुले तो जो चीज़ को हम लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, जो चीज़ हम लिंक देंगे उसी चीज़ को आपको क्रोम पे या फिर इश्यू ब्राउज़र पे जाकर वहाँ से ऑनलाइन वहाँ पे टेक्स्ट करना है। टेक्स्ट करके वहाँ पे आप जाकर सबमिट कर सकते हैं, वहाँ से आपका पेज खुल जाएगा। ओके, इसका जो लास्ट जो फॉर्म का लास्ट डेट है जो आपको बताए थे 8 दिसंबर तक है, अभी भी टाइम है, इसमें कम से कम 15-16 दिन, तो आप लोग डिसीजन ले लीजिए। ओके, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ दिया गया है, उसके साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का एप्लीकेशन दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे सभी चीज़ें दिया गया है। अगर आप लोग की वीडियो ज़रा सा ही पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच इसे बेहिसाब शेयर कीजिए, ताकि जो इसको डिजर्व करते हैं, जो इस लायक हैं, उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई का चैनल है, सपोर्ट कीजिए, अपना दुलार प्यार बनाए रखिए। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दोस्त, आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आजकल हम थोड़ी बिजी रह रहे हैं, थोड़ा परेशानी है हमारे साथ, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पा रही है, इसके लिए आप लोग से दिल से क्षमा चाहते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।